हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ, न्यू रिक्वायरमेंट के साथ, जो काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। और ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है गाइस। इसमें हम आपको मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट आता है उसके बारे में बताते हैं। और ये मेडिकल सीरीज का आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ वीडियोज़ है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस ये रिक्वायरमेंट जेरी वर्गीज की तरफ से है, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट में स्टाफ नर्स मेल या फीमेल दोनों चाहिए, बोथ आर एक्सेप्टेड। सो गाइस ये रिक्वायरमेंट एक्चुअल में आया हुआ है जो नर्स के लिए, वो है आपको यूके के लिए NHS ऑफिस है, मतलब हॉस्पिटल है उसका रिक्वायरमेंट है। और ये यूके यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड भी कहा जा सकता है उसको, वहाँ का रिक्वायरमेंट है। और गाइस जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक DT एंड सर्जिकल मैन मेडिकल, उसके बाद सर्जिकल एंड मेडिकल एंड ICU। सो गाइस दीज आर द वैकेंसीज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, और गाइस जेरी वर्गीज वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया में आता है, और इसका डिफरेंट कंट्रीज में ऑफिस है। इंडिया में चेन्नई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और मुंबई, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया कहे तो दिल्ली, ठीक है, यहाँ इन लोगों का ऑफिस है। गाइस काफ़ी बेहतरीन ऑफिस है, इसमें आप 110% यकीन कर सकते हैं। और गाइस ये जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आईलेट्स मस्ट है। आईलेट्स या PT एक टेस्ट होता है जो आपको एलिजिबल करता है कि आप फिट फॉर द क्या बोलते हैं US या UK कंट्री के लिए हैं, तो वो टेस्ट पास करना कंपलसरी है। और गाइस काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी इसमें, नो डाउट। बट एक टेस्ट होता है जो नर्सिंग वाले लोग का जो है इसमें होता है आफ्टर, तभी जाके आपका जो ये एलिजिबल होते हैं वहाँ के नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो वो टेस्ट भी करना आपके लिए लाजमी है। और गाइस ये जो रिक्वायरमेंट है इसका सैलरी का इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है, तो आप डिटेल कॉल करके भी ले सकते हैं सैलरी वगैरह का, जो काफ़ी बेहतरीन सैलरी होने वाला होगा आई थिंक। गाइज और डिटेल चाहिए तो इसके लिए गाइज एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल मस्ट है, और उसके बाद जो है BSc नर्सिंग होना ज़रूरी है, या फिर GNM ANM जो भी कोर्स होता है जो मेडिकल से रिलेटेड है वो होना मस्ट है। एक्सपीरियंस जो है एज ए पार्ट मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल या फिर कोई भी सरकारी गैर सरकारी में अगर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। तो गाइज चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि आया हुआ है गाइज, ये आया हुआ है आपको ओमान और बहरीन के लिए। गाइज ये फार्मासिस्ट का जॉब है, जो फार्मासिस्ट जो बंदा कैंडिडेट कर रखे हैं फार्मेसी का कोर्स लाइक BPharma, DPharma, MPharma, देन वो ये अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ केमिस्ट, एज अ फार्मेसिस्ट एंड कोई भी रिपोर्टेड सप्लाई चैन ड्रग स्टोर का, या फिर सेल्फ ड्रग स्टोर का, या फिर किसी हॉस्पिटल का जहां ये ड्रग स्टोर होता है, तो आप ये एलिजिबल हैं इस कैटेगरी के लिए। गाइज इसके लिए जो है सैलरी इन्होंने जिक्र कर रखा है, जो कि 370 OMR प्लस इंसेंटिव, और उसके बाद जो है एकोमोडेशंस का अलग से है। और ये एक कारवा हंट्स करके कुछ ऑफिस है टैलेंट या इंटरनेशनल, उनके पास आया हुआ है। और गाइस आई थिंक ये ऑफिस दिल्ली का ऑफिस है, तो प्लीज़ न्यू दिल्ली का ऑफिस अगर थोड़ा सा होशियार हो जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मसला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो गाइस फार्मासिस्ट मेल के लिए ओमान और इसके लिए दोनों के लिए है, तो आप एक बार खुद से विजिट करें डिटेल, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है गाइस। और गाइस जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होगा CV डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके मेल आईडी पे भेजी, फर्दर उनका जो प्रोसेस होगा वो आगे की तरफ होगा, ठीक है गाइज। इसके साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। और गाइज एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। और गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो फॉर नीडी पीपल्स। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सब खैर एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए।